हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी Thank you.
ब्रह्मज्ञान तीव्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगरामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वारु सुते देवी प्रणमामि हरि। वंचा कल्पक्रूरभ्यश्च कृपा सिंधु भयेभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। जगन्नाथ स्वामी की जय। तो पुनः आप सभी का आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत। पुनः एक बार भगवान के चरणों में जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा जी राधे रास बिहारी जी राधा माधव जी लड्डू गोपाल जी पंचतत्व जी राधा श्याम सुंदर जी और गौर निताई जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा का याचना करते हुए परम कल्याणकारी जो कथा है भागवत महापुराण उसमें प्रवेश करेंगे। उसके पहले शिव जी यहाँ पे विराजमान है उनके चरणों में हनुमान जी के चरणों में भक्ति देवी तुलसी महारानी गंगा माई अनेक अनेक देवी देवताओं जो यहाँ पे दिव्य रूप में विराजमान है उनके चरणों में और आप सभी वैष्णव और भक्तों वृंद के माताओं के चरणों में साथ ही साथ स्टेज पे विराजमान हमारे वृंदावन से ब्रज से आए हुए ब्रजवासी भक्तों के चरणों में और दूसरे सभी साथी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए याचना करते हुए कि भगवान की कथा ठीक ठीक कह सकूं आप सब को आनंद हो ताकि आप सब भगवान से प्रेम करें भगवान के नाम का जप कीर्तन करें उनकी सेवा में लगे और अपना जीवन आनंदमय और मंगलमय बनाए। तो इसीलिए इन सब भावों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए तीन बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे कि मैं ठीक ठीक कह सकूं और आप आनंद के साथ सभी श्रवण कर सकें उसको पी सकें और अपने जीवन को आनंदित बना सकें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महात्म का पहला श्लोक था, क्या था पहला श्लोक? तो उस पहले श्लोक के पहले शब्द का वर्णन चल रहा था, पहले शब्द की विस्तार से चर्चा हो रही थी। तो आप में से कोई बताएंगे कि कहाँ पे विश्राम हुआ था? भगवान सच्चिदानंद है और हम सब भी जीव होने के कारण शाश्वत है। यह है जीव और भगवान शाश्वत है, जीव अजर अमर है। गीता में श्लोक है कि आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न उड़ाया जा सकता है, अविनाशी है। क्या है? शाश्वत है, सच्चा है। लेकिन हम लोग सच्चा होते हुए भी कैसे बन गए, उसकी चर्चा कल हो रही थी, है ना? कैसे बन गए इस माया संसार में? हम सब झूठे हो गए। कैसे हो गए? झूठे हो गए। यही हमारा दुख का असली कारण है। अगर सच्चे बन जाएंगे बहुत आनंद हो जाएगा। बड़ा सरल है, सच्चे आए थे। कैसे आए थे? बच्चा जब ही आता है तो सच्चा आता है, झूठा आता है। हर कोई उसको गोद उठाता है, हर कोई गोद में लेने के लिए घर में एक दूसरे से कभी कभी नोक झोंक हो जाता है ना? आपस में मन मुटाव भी, मैं गोद लूंगा, मैं गोद लूंगी, मुझे पहले चाहिए, मुझे पहले चाहिए। सभी लोग उसको प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सच्चा है। क्या है? एकदम निर्मल, पावन, पवित्र, शुद्ध है, छल नहीं है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कोई गोद लेता उसको, अगर वो कहता भी है, उसकी माँ भी गोद नहीं लेती। माँ क्या कह देती है? तेरे जैसे पुत्र नहीं जन्मती तो अच्छा होता। क्या कह देती है माँ? अगर तेरे जैसा संतान नहीं होता तो अच्छा होता, हमारा नाम संसार में बदनाम ना होता। कौन कह देते? वही माता पिता। संतान हो के भी हम संतानहीन हैं, संतान हो के भी हम संतान सुख से वंचित हैं, वही माता पिता कह देते। बाकी पड़ोसी रिश्तेदारों की तो बात ही दूर है। क्यों कह देते उसको ही? जिसके लिए घर में बचपन में नोक झोंक हुआ करते थे, झगड़ा होते थे, एक दूसरे के पीछे भागते थे, आज उसको ही क्या कह रहे हैं कि तू नहीं होता तो अच्छा था। कारण सिर्फ इतना है कि पहले सच्चा था और अब झूठा हो गया। पहले सच्चा था और अब झूठा हो गया। पहले निर्मल था और अब गंदा हो गया, मलिन हो गया। निर्मल समझते? निर्मल, निर्मल बिना मल का, मल नहीं है जिसमें, न से नहीं, म से मल, जिसमें मल नहीं है उसको निर्मल कहते हैं। तो इस प्रकार से सार्थक नहीं, कारण है कि मलिन हो गए, मन एकदम गंदा हो गया, मल। कैसे हो गए? मल में सन गया एकदम, हर प्रकार के पाप कर्म में डूब गया जीव। तो इस प्रकार से जीव को सच्चा था और सच्चा बनना है, बड़ा आसान है। सच्चा था और सच्चा बन सकता है। कोई चीज बोलते ना कि हम आसक्ति में हैं, हमारा संसार में आसक्ति हो गई। क्या हो गए? हम घर में आसक्त हो गए, काम धंधे में आसक्त हो गए। तो अगर कोई चीज आसक्ति हो गई है तो जा सकती भी हो गई। कोई चीज आ सकती है तो वो जा भी सकती है। जीवन में मान लीजिए कोई बुरे लत लग गए, सिगरेट पीने का, शराब पीने का, बचपन से नहीं था वो, बचपन में माँ का दूध पीने का आदत था,
गौ माता का दूध पीने का आदत था। यहाँ पे तो गौ माता भी हरे कृष्णा बोल रहे हैं, सबके कंठ में हरे कृष्णा है। बचपन में गौ माता और अपनी माता का दूध पीने का और आनंद होता था, लेकिन जब बड़े हो गए तो अब माँ को माँ के पास जाते भी नहीं, क्योंकि मुंह से सिगरेट और शराब की बास आती है, बदबू आता है। तो इसी भय से माँ को भी त्याग दिया, माँ के ममता प्रेम को भी त्याग दिया। तो हम लोग मलिन हो गए, और बड़ा आसान है कि हम फिर से निर्मल हो जाए। इसमें बहुत मेहनत नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ हमें भागवत जी को शरणागत होना है, भगवान को शरणागत होना है, भगवान के भक्तों का संग करना है, भगवान की सेवा करना है। प्रभु जी कह रहे थे, भाई मैं गवार हूँ, अनपढ़ हूँ, कुछ नहीं आता, लेकिन कोई गुरु ने कृपा कर दिया है, कोई साधु ने कृपा कर दिया है, तो भगवान की सेवा में अब बड़ा नाचते रहता हूँ। क्या करते रहता हूँ? नाचते रहता हूँ। करोड़ रुपया कमाने वाले भी नाचते नहीं, करोड़ रुपया कमाने वाले भी उदास रहते, टेंशन में, परेशानी में रहते हैं, 2 करोड़ कभी कमाऊंगा, और वो बेचारे रिटायर है, कुछ कमाते नहीं, बच्चे अब जो देते हैं उसी में चलाते हैं अपना, लेकिन कहते हैं नाचते रहता हूँ, क्योंकि आसक्त नहीं है, बच्चे जैसे हो गए, जो मिल जाएगा खा लूंगा, जो मिल जाएगा पहन लूंगा, जैसे बच्चे रखेंगे रह लूंगा और बाकी सब सह लूंगा और भगवान के आनंद में नाचते रहूंगा। तो अगर वो हो सकते हैं तो हम सब भी हो सकते हैं। एक आईना एक प्रमाण बैठे हैं, और इनका मन कितना चंचल होगा, बंबई की एक गली बाकी नहीं इनसे, हर गली में इनके गाड़ी गई हो, है ना? तो मन कितना चंचल होगा, और कैसे उसको समेट के भगवान के पास लगाया। तो भगवान का यही काम है कि मन का अपहरण करते, भगवान क्या करते हैं, मन को ले लेते हैं, इस चंचल मन को, और अपने चरणों में लगा देते, अपने सेवा में, अपने दर्शन में, अपने कीर्तन में लगा देते हैं उनको, और जीव को आनंदित कर देते हैं। तो हम सब कैसे थे? शाश्वत थे, सच्चित आनंद के मूर्ति आए थे यहाँ पे, लेकिन कैसे हो गए संसार में हम लोग? अब झूठे हो गए, अब हमारा पहचान बड़ा बदनाम हो गया है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रभु जी हैं, खन्ना जी हैं कि गए गए, उन्होंने बड़ा एक अच्छा एक भक्तों को उत्साहित करने के लिए कथा में, कथा पीने के लिए एक बात कही कि जिनको भी याद रहेगा, जहाँ कथा विश्राम हो गई, हम भगवान का कुछ प्रसाद उनको भेंट देंगे। तो प्रभु जी के लिए आज एक भेंट है प्रसाद, तो खन्ना जी उनको देना चाहेंगे। जो भी कथा सुनेंगे पिएंगे, उनको कुछ ना कुछ भगवान का प्रसाद भेंट दिया जाएगा। कथा के रस में डूब के कथा का रसपान करिए और भागवत मय बन जाइए। क्या बन जाइए? भागवत मय बन जाइए। भागवत शब्द का जो अर्थ है ना, बड़ा गहरा है, 2-4 दिन तक बोला जा सकता है सिर्फ भागवत पे। भागवत शब्द जो है 4 अक्षर के, लेकिन अभी कैसे भागवत चल रहे संसार में, 7 दिन में है भागवत कह देते हैं लोग, 7 दिन में भागवत कह देते, पूरी भागवत, 7 दिन श्लोक पूरा नहीं होगा, भागवत सिर्फ शब्द पे 7 दिन बोली जा सकती है। तो भागवत जो शब्द है उसको जरा समझ लेते हैं। भा मतलब भगवान भी होते हैं। क्या? भा मतलब भगवान, और भा से होता है प्रकाश। क्या होता है? भा का एक अर्थ प्रकाश होता है, और भा से भगवान होते हैं। क्या होते हैं? भा से भगवान और प्रकाश। इसका अर्थ ये हुआ संक्षेप में कि जहां भगवान है वहां प्रकाश रहता है। क्या रहता है? जहां भी भगवान है
वहां प्रकाश रहता है। इसलिए एक श्लोक है, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण है माया का वहां नहीं है अधिकार। जहां भगवान कृष्ण है कैसे है, सूर्य के समान तेज है, प्रकाशमय है, अंधकार वहां नहीं रहता है। क्या नहीं रहता? अंधकार नहीं रहता। अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है? अंधकार ये है संक्षेप में कि भगवान से जीव चुत हो गया। चुत हो गया मतलब भूल गया भगवान को। भगवान का एक नाम है अच्युत। क्या भगवान का नाम है? अच्युत। इसका अर्थ है कि भगवान हमेशा हमेशा, भगवान अच्युत का अर्थ है कि भगवान हमेशा जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं। क्या रहते हैं? अच्युत है भगवान। वो हमेशा जीवों के साथ रहते, हर चीज के साक्षी है भगवान। कभी भी चित्त नहीं होते, अलग नहीं होते, दूर नहीं होते, उसको अकेला नहीं छोड़ते हम लोगों जैसे। हम लोग चित्त हो गए भगवान से, भगवान को भुला दिया, छोड़ दिया, दूर कर दिया भगवान को, और बाकी सब कुछ जीवन में धारण कर लिया। यही अंधकार है। भगवान से चित्त होना अंधकार है, और भगवान से हमेशा जुड़े रहना यही प्रकाश है। तो भगवान जीव को नहीं छोड़ते हैं, जीव को भगवान नहीं छोड़ते। जीव के अंदर सुसुप्त अवस्था में रहते भगवान, लेकिन जीव भगवान को भूल जाता है। जैसे जीव भगवान को जप के द्वारा, तप के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा, कथा के द्वारा बुलाने लगता है, भगवान तुरंत प्रकट होके उसको आनंद देने लग जाते हैं। जीव शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और कैसे हो जाता है? निर्मल हो जाता है, सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, और सुंदर वैष्णव बन जाता है। सुंदर वैष्णव बन जाता है। प्रभु जी देखिए, उन्होंने आज कहा, गुरु जी ने पूछा क्या करते हो, बोला गुरु जी ऐसा कुछ बाकी नहीं जो जीवन में नहीं किया, सच बोल दिया। गुरु जी जोर से हंसने लगे, बोले क्या क्या खाया? बोले पूछो मत गुरु जी, जो आपने नहीं सुना वो सब भी खाया होगा। उन्होंने जो ये कहा मुझसे वो मैं नहीं कह सकता हूँ यहाँ से। उन्होंने ऐसे शब्दों को गुरु जी से साफ साफ कह दिया कि मैंने वो सब खाया है, वो सब पिया है, वो सब जीवन में किया है जो शास्त्र मना करता है, भगवान और भागवत कभी नहीं कहता करने के लिए। गुरु जी बोले कोई बात नहीं, आज से सब फेंक दो, छोड़ दो। वो कह रहे थे उस टाइम के, मेरे पॉकेट में एक सिगरेट का पूरा पैकेट पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? पूरी सिगरेट की पैकेट उनके, वो बोलते पैकेट पड़ा था। बोले उसी टाइम गटर में डाल दिया, कान पकड़ के उठा बैठा कर लिया। अब गुरु जी को वचन दिया है आज से नहीं करूंगा।